चलिए, बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एडुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो आज डिस्कस करेंगे चैप्टर टू। मैं आज डिस्कस करीम चैप्टर टू नेल्सन मंडेला इंग्लिश और चैप्टर टू एम सी क्यू जिमान कईटा आहिबो एग्जाम गोटे कईटा डिस्कस करीम और यार पर एग्जाम आहे और आपनालोके होनकाले एटु लिखि लब क्वेश्चन टू और एन्सार खिनि। मैं यार दुटा लैंग्वेज यूज करीम, एटा होल हिंदी एंड एटा अखोमिया। अखोमिया लैंग्वेज तो अखोमिया माध्यमर कारणे आरो हिंदी तो इंग्लिशर माध्यमर कारणे तेखेते अलब बुझिबोले टान होय तार कारणे मैं डिस्कस करिम। सो हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ओके। तो पहले एक क्वेश्चन आ चुका था, क्वेश्चन टू आई से। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फ्रॉम ओवर फेयर। तो क्वेश्चन भी लिख लेना है और आंसर भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की नहीं होल, वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी होगा। तो आप लोग बी को लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट लिखिएगा। समय नहीं है, एग्जाम सामने है, फाइनल के लिए मैं ये दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच फ्लेम्स कैन बी हिडन। ये वाला जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी नहीं होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मीन्स गुडनेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, उसके बाद सोइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रिकॉल गवर्नमेंट, ओके। इसका आंसर होगा 10 मई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 10 मई, याद रखना है आपको। सी नंबर क्वेश्चन आराम से पढ़िए, व्हाट डस्ट डिप्थ ऑफ पर्सन ऑपरेशन सॉरी ऑपरेशन क्रिएट, तो इसका होगा हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर, ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एटू लिखी मोस्ट 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 वीवीआई क्वेश्चन, विच पार्टी डिड मंडेला जॉइन, मंडेला ए कौन पार्टी अंशग्रहण करिले, यार इम्पोर्टेंट यार आंसर खिनि हबो नेशनल अफ्रीकन पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हबो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वेरी इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन खिनि लिखि लबो, आंसर हबो ऑप्शन नंबर ए, ए इज द राइट आंसर, ओके, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन खिनि एटु लिखिबो, व्हाई वेयर टू नेशनल एंथम सॉन्ग्स, सो आंसर एटु हबो बोथ, एटु हबो और एटु हबो, दुटा मिहुली हबो आंसर, ये दोनों ही आंसर है, ठीक है। तो आपको दोनों लिखना है, ये नहीं कि हम बोथ लिख दें, बस आप आंसर याद होनी चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट कोरेज, सो इट इज़ द थ्रम ओवर फेयर, ओके। ये पहले भी पढ़ा था हम लोगों ने चैप्टर, अगर आप लोग चैप्टर अभी भी समझे नहीं है, अपना लोग जो एटिया लोग एक्सप्लेनेशन खी जो स्कूल करा हुआ ना बा बुझा ना, तो आमा कमेंट कर जाना हल, मैं ये चैप्टर गोटे कटा चैप्टर एक्सप्लेन कर दीम। अगर इंग्लिश मीडियम वाला भी अगर अंडरस्टैंड सॉरी आप लोग पढ़े हैं, पढ़ने के बाद भी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है या को स्कूल में पढ़ाया गया है इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं चैप्टर को समझा दूंगा जिस तरह क्वेश्चन को समझाता हूँ, ओके। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, ओके, बी नंबर। क्वेश्चन लिखना है, इसका आंसर होगा ए और बी, ये दोनों ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज ब्रोट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंड ऑफ एफर्थाइट, ठीक है। तो हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वेयर इलेक्टेड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टू डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्टेड किया गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनेगा, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, तो 10 मई होना चाहिए, ठीक है, 10 मई होगा।
बहुत सारा इस तरह का चैप्टर वाइज मैं कवर करूँगा। ए टाइगर इन द जू है, मंडा है, बहुत सारा चैप्टर भर भर के है, मैं सब एमसीक्यू दूंगा इम्पोर्टेंट इसी तरह, तो आपको पढ़ना है लिख कर। बाय द वे ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, तो आई होप कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि फ़ायदा आपको होने वाला है। हाँ, और एक ऑफ़र देने वाला हूँ। ऑफ़र ये रहेगा कि मैं हिंदी का ग्रामर तो पूरा कराऊँगा ही, प्लस साइंस का जो भी क्वेश्चन बनेगा, साइंस अपने आप में बहुत ही मतलब टेंशन हो जाता है बच्चे लोगों का, थोड़ा सा लोग चिंता में पड़ जाते हैं बच्चे, क्योंकि उसके अंदर से जो क्वेश्चन आता है, इनर क्वेश्चन जो बोला जाएगा, वो क्या क्या आता है समझ में नहीं आता है। मैं सभी क्वेश्चन आंसर दूंगा, एक एक चैप्टर में लगभग एमसीक्यू भी बना दूंगा, तो आप लोग रेडी रहे, साइंस मैं खुद कराने वाला हूँ, बहुत ही शानदार वीडियो रहेगा वो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगा।